हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब फ्रेंड आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा विंटर में मिलने वाला जो है सब्जी जिमीकंद। जिमीकंद की बहुत सारी रेसिपी बनता है फ्रेंड। तो इसका जो मसालेदार सब्जी है वो अगर आपने नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी होता है, एकदम स्पाइसी भी बनता है। तो देखिए, ये है जिमीकंद। जिमीकंद इस टाइप से दिखता है, ये थोड़ा सा खुजलाने वाला भी रहता है तो थोड़ा देख के लिया जाता है फ्रेंड। इसको देसी वाला लिया जाता है, एकदम अच्छा लगता है इसका टेस्ट। तो उसे हम कट करके उबाल लेते हैं पहले। उबालने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद ये जब छिलना ठंडा हो जाता है तो आसानी से छिलते बन जाता है। इसका छिलका उतार के इसे पीस पीस कट करके थोड़ी देर धूप में रख दीजिए। धूप में रखने से थोड़ा सा अच्छा सा, जब इसे हम सेलो फ्राई करते हैं तो अच्छे से सेलो फ्राई होता है, वरना टूटे जैसा हो जाता है। तो थोड़ा सा एक दो घंटा धूप में आप रख सकते हैं फ्रेंड इसे, और तुरंत चाहिए तो भी तुरंत आप इसे अच्छे से सेलो फ्राई करके बना सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा धूप में रख देती हूँ कि इसका जो पानी हो थोड़ा सा सूख जाए। इसे ऐसे ही छिलना होता है, बहुत आसानी से छिल जाता है फ्रेंड ये। और जिमीकंद का जो सब्जी है खट्टे में भी बनाते हैं, बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनता है खट्टे में भी। और आप नहीं देखे तो गोवर्धन पूजा वाला मेरा जो वीडियो है उसमें ज़रूर देखिएगा, उसमें जिमीकंद का सब्जी का मैं डाली हूँ। गांव में गोवर्धन पूजा के दिन बहुत ही अच्छा जिमीकंद का सब्जी बनाते हैं फ्रेंड, बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वाला ज़रूर चेक कीजिएगा, मैं जिमीकंद का सब्जी का जो डाली हूँ, और गोवर्धन पूजा के बारे में भी डाली हुई हूँ, वो भी आप देखिएगा कि हम लोग गांव में कैसे करते हैं गोवर्धन पूजा और मातर कैसे करते हैं, ये सब का वीडियो भी मैं डाली हुई हूँ। अगर नहीं देखी तो एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। तो सभी को मैं ऐसे ही पीस करके इसे मैं थोड़ा देर धूप में रख दूँगी फ्रेंड, जिससे कि इसका जो पानी है ऊपर का भी हम लोग जो उबाले तो वो पानी अच्छे से थोड़ा सा सूख जाए। तब सेलो फ्राई करने के टाइम बहुत अच्छे से सेलो फ्राई करते बनता है ये। और जिमीकंद का सब्जी जो है ताज़ा में ही ज़्यादा अच्छा लगता है फ्रेंड। जब हम ताज़ा इसे तुरंत उबाल के तुरंत सब्जी बनाते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं गांव में फ्रेंड, इसे उबाल के सुखा के इसे स्टोर करके रख देते हैं, और जब बनाना रहता है तो कुकर में इसे 3-4 सीटी लगा के थोड़ा सा मतलब इसे सॉफ्ट कर लेते हैं, और उसके बाद इसे सब्जी बनाते हैं। जैसा भी सब्जी बनाए, जैसे खट्टे में हो चाहे कि ऐसे मसालेदार हो, जो भी हो, तो ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं। पर मुझे इसका ताज़ा में ज़्यादा स्वाद आता है। और इसके लिए निम्न मसाले के लिए मैं अदरक लहसुन और प्याज और मिर्ची का पेस्ट बना लूँगी फ्रेंड, और टमाटर को अलग से पेस्ट बना लूँगी। तो देखिए मैं कढ़ाई गरम करने लग दी हूँ, और धूप से सुखाई थी मैं उसको ले आई हूँ अपना जिमीकंद को, और इसी में देखिए इसी टाइप से अच्छे से इसको लाल होते तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। जितना ज़्यादा अच्छे से हम फ्राई करेंगे उतना ज़्यादा इसका स्वाद बढ़ जाता है। और जिमीकंद को अगर आप काटते हैं कच्चे में तो काटने के टाइम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि थोड़ा सा हाथ वगैरह अगर लग जाता है तो थोड़ा सा इचिंग होता है थोड़ा सा, तो हो सके तो थोड़ा सा बचा कर काटिए, या फिर ग्लव्स पहन के आप यूज़ कीजिए। ग्लव्स से कटिंग कर सकते हैं तो आपको इचिंग से वगैरह से कुछ नहीं होगा। तो मैं बस 2-4 टुकड़ा ही करना था इसलिए मैं ग्लव्स वगैरह नहीं पहनी थी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा जैसे हाथ में अगर पकड़ना रहता है कटे वाले हिस्से को तो ध्यान से पकड़िए, या फिर ग्लव्स पहन के पकड़ सकते हैं, नहीं तो इचिंग होता है फ्रेंड। ये जिमीकंद जो होता है और कभी कभी अच्छे से नहीं भुना रहता है, या फिर कोई कोई क्वालिटी जिमीकंद होता है फ्रेंड जो कि थोड़ा सा इचिंग होता है, खुजली होता है गले में, तो इसीलिए थोड़ा सा जो पता रहता है जिसके पास का जिमीकंद अच्छा है देसी है उसी के पास से आप खरीदिए अगर मार्केट से ले रहे हैं तो। क्योंकि और कुछ कुछ जिमीकंद होता है फ्रेंड जो कि एकदम मीठा होता है, एकदम आलू के जैसे बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो उसका भी स्वाद अच्छा नहीं लगता है। तो जिमीकंद को थोड़ा सा पहचान कर ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा मिलता है। और जिमीकंद का सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनता है, खासकर दिवाली में इसे ज़रूर बनाया जाता है फ्रेंड ये जिमीकंद का सब्जी को। अब इसे मैं सेलो फ्राई करके निकाल लेती हूँ। देखिए अच्छे से सेलो फ्राई कर लीजिए, अगर जिमीकंद आपके पास ज़्यादा है तो दो बार करके आप सेलो फ्राई कर लीजिए, और नहीं तो एक ही बार में सभी हो जाएगा। आपको क्वांटिटी के ऊपर निर्भर करेगा फ्रेंड कि एक साथ करना है कि दो बार करके करना है, तो मैं थोड़ा सा दो बार करके कर रही हूँ। तो बचे हुए जिमीकंद को फिर इसमें डाल देती हूँ और उसको भी सेलो फ्राई करके निकाल दूँगी। और आपको ये रेसिपी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और इसके पहले मैं और भी जिमीकंद की रेसिपी डाली हूँ फ्रेंड, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसे चेक कीजिएगा, और प्लेलिस्ट में मैं बनाई हुई हूँ जिमीकंद रेसिपी, उसे भी आप चेक कीजिएगा फ्रेंड। इसका कई वैरायटी आपको मिल जाएगा, कई प्रकार की रेसिपी मिल जाएगा, जैसे अचार है, सब्जी है, और भी बहुत कुछ है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा।
अब जिमीकंद तो सेलो फ्राई हो गया है, अब हम सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं फ्रेंड। तो इसी कढ़ाई में मैं तेल डाल देती हूँ और कुछ खड़े गरम मसाले ले लिए, जैसे कि दालचीनी है और काली मिर्च है और तेज़पत्ता, बस ये तीन चीज़ ली हूँ जो कि मैं खड़ा यूज़ करूँगी इसमें। मतलब हमारे सब्जी का स्वाद एकदम बढ़ जाएगा फ्रेंड अगर हम थोड़ा सा खड़ा मसाले यहाँ पर अगर डालते हैं तो, सब्जी का टेस्ट एकदम बढ़ जाता है। और मेरा पेस्ट भी तैयार हो गया है जिसमें मैं अदरक मिर्ची लहसुन और प्याज का पेस्ट बनाई हूँ और ये टमाटर का पेस्ट अलग बनाऊँगी फ्रेंड्स। तो देखिए तेल गर्म होने पर मैं यहाँ पर डाल दूँगी जीरा और हींग, अगर आप चाहो तो सरसों भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, सरसों और हींग डाल सकते हो। और खड़े गर्म मसाले को डाल दूँगी अब यहाँ पर, खड़ा गरम मसाले से बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है सब्जी को। अब इसमें डाल दीजिए जो पेस्ट बना के रखे हैं, अदरक मिर्ची लहसुन प्याज का जो पेस्ट है उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए और इसे थोड़ी देर अच्छे से भूनिए जिससे कि इसका जो कच्चापन है थोड़ा सा दूर हो जाए। देखिए मसाला अच्छे से भून गया है, अब इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर का पेस्ट। तो ये देखिए टमाटर का पेस्ट यहाँ पर डाल देती हूँ और इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। एकदम चटपटा स्पाइसी बनता है फ्रेंड जिमीकंद का जो सब्जी है। आप लोगों ने पिछला मेरा जो रेसिपी है उसे बहुत पसंद भी किया है जिमीकंद का जो सब्जी में डाली थी, तो इसे भी आप ट्राई कीजिएगा। उसमें मैं खड़े गरम मसाले थोड़ा ज़्यादा यूज़ की थी और ये कम मसाले डाल के बना रही हूँ। दोनों ही रेसिपी है बहुत ही अच्छा है फ्रेंड, अगर एकदम आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप वो वाला ट्राई कर लीजिएगा और अगर कम चाहिए तो आप इसे ट्राई कर लीजिएगा फ्रेंड, दोनों ही अच्छी रेसिपी है। अब इसमें मैं सूखे गए मसाले डाल देती हूँ जैसे कि जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है और हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर भी यहीं पर डाल देती हूँ जिससे कि सभी अच्छे से भून जाए। अब सभी को अच्छे से भून लीजिए। जब ये मसाला हमारा अच्छे से भून जाएगा, मतलब ये कढ़ाई में जो चिपक रहा है वो चिपकना बंद हो जाएगा, अच्छे से भून जाएगा, तो वही पहचान होता है कि ये तेल छोड़ने लग जाता है। तो इसे हम अच्छे से भूनते हैं फ्रेंड, जितना ज़्यादा अच्छे से भूनेंगे उतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट सब्जी का आता है। अब इसमें डाल दूंगी पानी, तो पानी आप अपने अनुसार से डाल सकते हैं, एकदम ज़्यादा अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, वरना इसमें थोड़ा सा मतलब ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा रहने से ही ज़्यादा बहुत टेस्ट आता है ग्रेवी का भी। तो पानी डाल देती हूँ और इसमें डाल दूँगी जिमीकंद और देख के इसमें थोड़ा सा और पानी और डाल दूँगी जिससे कि उबाल आने से ग्रेवी थोड़ा सा कम होता है। तो पानी थोड़ा सा और डाल दूँगी कि ये अच्छे से पक के जो भी मसाले हैं और नमक है वो जिमीकंद में अच्छे से आ जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें इसे पकाना पड़ेगा। तो पानी से थोड़ा सा और डाल देती हूँ, उसके बाद एकदम गाढ़ा जब ग्रेवी हो जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। अगर आपको सब्जी का कलर और ज़्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं या एकदम चटपटा कलर आपको पसंद आता है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर सकते हैं जिससे कि सब्जी का कलर एकदम स्पाइसी आएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो देखिए बॉईल होने के बाद कलर कितना अच्छा आया है फ्रेंड, तो बहुत ही अच्छा कलर आता है जिमीकंद का, तो देखते ही एकदम लगता है कि वाकई में बहुत टेस्टी बना है। तो देखने में जितना ज़्यादा दिख रहा है उससे ज़्यादा टेस्टी तो खाने में लगेगा, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और देखिएगा फ्रेंड कि कितना टेस्टी बनता है। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि कितना टेस्टी बनता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए।
और बताइए कि आपका सब्ज़ी कैसा बना है। कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड कि आपने ये सब्ज़ी ट्राई किया कि नहीं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छी लगी हो रेसिपी तो आगे शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।